सभी लोग अपना स्थान विराजमान करें। मैं हमारे रानीवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच श्री वरदाराम जी से अनुरोध करूंगा कि वह रानीवाड़ा की धरती पर साफा पहनाकर वैभव गहलोत जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री मकनाराम जी रतन जी के सुपुत्र को भी माला अर्पण करेंगे। साथ ही हमारे बीच में पधारे एमपी अल्मोड़ा से श्री प्रदीप जी टमटा का साफा पहनकर स्वागत करेंगे। हमारे नेता श्री रतन जी देवासी साहब साफा पहनकर उनका अभिनंदन करेंगे। आप अल्मोड़ा उत्तराखंड से हमारे बीच में पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी आप सब लोग विराजमान होइए। गौरव जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे विष्णुई जी जिला परिषद सदस्य वो भी माल्यार्पण करेंगे। आप लोग जिन्होंने स्वागत कर लिया वो एक बार नीचे विराजे। सभी लोग स्थान ग्रहण करें अपना। आपके बीच में उपस्थित अपने राजस्थान क्रिकेट संग्रह अध्यक्ष और अपना नेता पेमेंट रागी अबे ऑफिस ऑफ उबा पेमेंट माते जानो है पासो वैभव गहलोत जी अपने एमपी साहब और उपस्थित सभी लोग सब जगह मीटिंग थी अपने गारंटी यात्रा भी मीटिंग अपे बटे पूर में और भाई किलुपिया में दो जगह मीटिंग की थी और यात्रा रहे हाथी हाथी अबार आया हूँ। आगे भी जानो है भीनमाल में मीटिंग है क्योंकि चुनाव है और चुनाव रो विधानसभा क्षेत्र रो मुख्य कार्यालय हो है तो बे मिनट अपे स्वागत करवा रुकिया हो आप सब रे तरफ से में स्वागत अध्यक्ष जी में सब लोग किधर रहे तो मैं पुनः आप रो बहुत बहुत स्वागत करूँ और अबार वैभव जी को कि दो सब कह ताकि ढके मीटिंग है लेट नहीं भेजो वैभव जी। रानीवाड़ा के इस प्रधान चुनाव कार्यालय में आप सबके लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में यहाँ से विधायक रहे पूर्व में राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक रहे आदरणीय भाई रतन देवासी जी तमाम मंचा सिंह वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हमारे AICC के ऑब्जर्वर पूर्व सांसद टमटा साहब तमाम जिलाध्यक्ष महोदय मेघवाल जी और तमाम उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आज यहाँ इस प्रधान कार्यालय में उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों भाइयों युवा साथियों आप लोग जानते हैं कि 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है राजस्थान विधानसभा का। मुझे आने में विलंब हो गया, हम लोग साचौर से सुबह से कार्यक्रम चल रहा था, कल मैं शेरगढ़ था जोधपुर विधानसभा के तहत, वहाँ से रात को आके हम लोग पचपदरा में हमने रात्रि विश्राम किया और फिर हम वहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो आप लोगों के बीच में आने में विलंब हो गया, मगर मुझे खुशी है कि हम सब लोगों आपसे दर्शन हो सके। आप लोगों ने हम सबका स्वागत किया सत्कार किया इसके लिए आपका धन्यवाद। मोटी बात अब ये है कि भाई रतन देवासी जी कोई नए व्यक्ति नहीं है, आप लोगों के सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे हैं। रानीवाड़ा से आपने इनको पहले भी राजस्थान की विधानसभा में भिजवाया है और अब मैं निवेदन करने आया हूँ कि क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, रानीवाड़ा की तकदीर और का फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग तमाम कार्यकर्ता हैं, शुरू से भाई रतन देवासी जी के साथ आप जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के प्रति, निश्चित तौर पे जालौर और सिरोही ये जो लोकसभा है इसके अंदर जो विधानसभा आ रही है आठों यहाँ पे भी अच्छा माहौल है और पूरे प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि 5 साल में शानदार कार्य किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से माननीय गहलोत साहब को 3री बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं
से ज्यादा फायदा आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर को मिले। सरकारी योजनाओं से जितना ज्यादा लाभ आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर के घर में जाए, वो उनकी सोच थी। चाहे उन्होंने विभिन्न योजनाएं रखी, चाहे किसानों के कृषि कनेक्शन पे 2000 यूनिट बिजली माफ़ी की बात हो, चाहे घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट की माफ़ी हो, ये तमाम योजनाएं आप सबके सामने हैं। और 5 साल का जो वक्त है, उसमें 2 साल तो कोरोना काल का भयंकर महामारी रही, मगर उसमें भी जो कोरोना का बेहतर महामारी का प्रबंधन किया राज्य की सरकार ने, खुद केंद्र सरकार को उसकी तारीफ करनी पड़ी। और अब क्योंकि समय, ये 7-8 दिन का समय है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कार्यकर्ताओं की कि अब हम लोग जी जान से जुड़ जाएं। और अभी मेरा आगे का प्रोग्राम भी भीनमाल में है, मगर मुझे खुशी है कि आप कम समय में भी आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और क्योंकि जो 7 गारंटियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा जी ने और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने 15-20 दिन पहले जो कांग्रेस के वॉर रूम में जयपुर से इन 7 गारंटियों की घोषणा की थी, ये गारंटियां दी जा रही हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से वापस आएगी तो निश्चित तौर पे ये गारंटियां आप सब लोगों के ध्यान में रहें। और आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसके लिए पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राघव गहलोत जिंदाबाद, राघव गहलोत जिंदाबाद, राघव गहलोत जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हम साहब